नमस्कार, मैं एलके गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए और वो निर्णय बलात्कार जैसे मामलों के संबंध में है। चूंकि अभी अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सामूहिक बलात्कार के संबंध में एक निर्णय दिया गया है, उसे भी आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। इस बलात्कार के संबंध में आपके सामने प्रश्न, क्या महिला बलात्कार कर सकती है? दूसरा प्रश्न, क्या महिला को सामूहिक बलात्कार का दोषी ठहराया जा सकता है? दो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। जब महिला बलात्कार कर नहीं सकती, तब बलात्कार के लिए अथवा सामूहिक बलात्कार के लिए कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? यह विचार न्यायालय के निर्णय में है। उन्होंने इसे स्पष्ट किया है, बलात्कार के संबंध में धारा 376 की उपधारा एक, यह कहती है कि कम से कम 7 साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माना। उपधारा दो, कम से कम 10 साल की सजा, अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माना। यह सजा बलात्कार की धारा 376 बताती है। इसके बाद गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार, धारा 376 डी, कम से कम 20 साल का कारावास, जो आजीवन कारावास तक हो सकता है, और आजीवन कारावास संपूर्ण प्राकृतिक जीवन और जुर्माना, यह सजा निर्धारित करती है। ये धाराएं बताती हैं कि दोषी को दंड क्या दिया जाएगा। इतनी कठोर सजा होने के बाद भी आज बलात्कार के मुकदमे तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आप विचार करिए, हम विचार करते हैं, ऐसे क्या कारण हैं जो मुकदमों में तेजी आई है? यह विचारणीय प्रश्न है। आपके सामने प्रिया पटेल बनाम स्टेट ऑफ आईएमपी के मुकदमे के कुछ तथ्य मैं रखने का प्रयास करता हूं। प्रिया पटेल के मामले में अभियुक्त पीड़िता के साथ अपने घर में बलात्कार कर रहा था। इस दौरान अभियुक्त की पत्नी आ गई, पीड़िता ने गुहार लगाई कि मुझे बचा लो। पत्नी वापस लौट गई, गेट बंद कर लिया और उस जगह से चली गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में यह कहा गया कि अभियुक्त की पत्नी यानी एप्लीकेंट के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। दूसरा मुकदमा स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम हेमराज, यह भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इस गैंग रेप में एप्लीकेंट को और अन्य लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया। इस दोष मुक्ति के खिलाफ सरकार द्वारा अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सामूहिक बलात्कार के लिए महिला को अभियोजित नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गई। आप और हम और जनता ये सोचने लगी कि एक महिला को बलात्कार के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता,
और महिला के खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता। ऐसा विचार जहां तक मैं समझता हूं अमूमन देखने में आया और लोग चर्चा करते हैं कि महिला के खिलाफ बलात्कार की कार्रवाई नहीं हो सकती है। 2013 के संशोधन से पहले भी महिला के खिलाफ बलात्कार की कार्रवाई हो सकती थी अगर आप ठीक से बलात्कार की परिभाषा को पढ़ेंगे तो परिभाषा स्पष्ट करती है कि एक व्यक्ति ही किसी महिला के साथ बलात्कार कर सकता है, कोई महिला महिला के साथ बलात्कार नहीं कर सकती। और जब एक महिला दूसरी महिला के साथ बलात्कार नहीं कर सकती तो उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन गैंग रेप है, 2013 से पहले स्पष्टीकरण फर्स्ट उसमें लिखा था अगर एक या एक से अधिक व्यक्ति सामान्य आशय के साथ कोई कृत्य करते हैं, समूह सामूहिक रूप से कोई कार्य करते हैं, ऐसी सुविधा देते हैं, तब प्रत्येक व्यक्ति बलात्कार के लिए दोषी होगा। ये दो निर्णय जो मैंने प्रिया पटेल और स्टेट ऑफ राजस्थान के जो निर्णय बताए हैं, लोगों में भ्रम हो गया कि महिला के खिलाफ बलात्कार की कार्रवाई नहीं हो सकती। ऐसा भ्रम पैदा हो गया चूंकि ये निर्णय आए, लेकिन पूरे निर्णय को पढ़ा जाए, उन पूरे निर्णय को पढ़ने के बाद उनसे स्पष्ट होता है कि जो कानून की मंशा थी इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, कोई एक्ट किया जाए किसी महिला द्वारा गैंग रेप के मामले में कोई पार्ट प्ले किया जाए और उसकी इंटेंशन, उसका सामान्य आशय है बलात्कार के संबंध में किसी कार्य के द्वारा सहयोग करना है, तब उस महिला के खिलाफ सामूहिक मामला चलाया जा सकता है। ये दोनों मामले जो बताए हैं इनमें ऐसे तथ्य थे, वो शब्द नहीं थे जिनसे उन महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई हो सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये मनाही की गई कि उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है। भ्रम पैदा हुआ, पूरा निर्णय पढ़ने के बाद स्थिति स्पष्ट होती है। मैं उत्तर आपके सामने पहले प्रश्न का, क्या महिला बलात्कार कर सकती है? नहीं, एक महिला सीधे सीधे बलात्कार नहीं कर सकती। और किसी महिला को सीधे सीधे धारा 376 के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, न अभियोजित किया जा सकता है। यहां किसी महिला के संबंध में जो कार्रवाई की बात की गई है, वहां महिला के संबंध में गैंग रेप के संबंध में बात की गई है। जब एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है, गैंग होता है, और उनमें से किसी एक के द्वारा बलात्कार किया जाता है, इसी तरह जो अभी हाल ही में निर्णय हुआ सुनीता पांडे बनाम स्टेट ऑफ यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट, 13 फरवरी 2023 को निर्णय दिया, इस मामले में वादी द्वारा अपनी बेटी के अपहरण के संबंध में एफआईआर कराई गई। 164 के बयान में सुनीता पांडे को शामिल बताया गया। चूंकि शामिल होने के बाद आरोप पत्र पुलिस ने पेश नहीं किया, बादी द्वारा सेशन कोर्ट में प्रार्थना पत्र 319 सीआरपीसी का दिया गया, उस पर सुनीता पांडे को तलब किया गया। सुनीता पांडे ने इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उसका आधार था कि एक महिला है और महिला बलात्कार नहीं कर सकती, इसलिए सामूहिक बलात्कार के लिए उसे बुलाया जाना गलत है, उसका सम्मान किया जाना गलत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 2013 के प्रावधान पर विचार किया गया जो गैंग रेप 376 डी है,
भारतीय दंड संहिता में इस संशोधन के बाद स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई व्यक्ति एक या एक से अधिक व्यक्ति में महिला बच्चे किसी भी उम्र के व्यक्ति कंपनी फर्म हो सकती है और उनका सामान्य आशय है, सामान्य आशय बलात्कार करने का है या कोई व्यक्ति सामान्य आशय के रूप में बलात्कार करता है तब कोई महिला किसी तरह का कोई एक्ट करती है और उस बलात्कार को आसान बना देती है, बलात्कार में एक्टिव रोल प्ले करती है जिससे कि वो व्यक्ति जो बलात्कार कर रहा है सफल हो जाए, तब उस महिला को दोषी ठहराया जा सकता है। उस महिला के खिलाफ सामूहिक बलात्कार की कार्रवाई कराई जा सकती है। इस तरीके से ये तीनों निर्णयों से स्पष्ट हो जाता है कि एक महिला को सामूहिक बलात्कार के लिए अभियोजित किया जा सकता है और दोषी भी ठहराया जा सकता है, जबकि सीधे सीधे अकेली महिला को बलात्कार के लिए अभियोजित नहीं किया जा सकता है और न ही दोषी ठहराया जा सकता है। गैंग रैप के माध्यम से महिला दोषी हो सकती है और वो उसी सजा की जिम्मेदार है, उसका उतना ही अपराध बनता है जितना कि एक्टिव रोल करने वाले का, सीधा सीधा बलात्कार करने वाले का दंड बनता है। इस तरीके से किसी भी महिला को बलात्कार के सामूहिक मामले में दोषी ठहराया जा सकता है। यह ताजा निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य रखें। धन्यवाद।